26 जनवरी 2019 को स्नान तक पश्चिम के आर्य मंदिर में हीरक जयंती महोत्सव पर आर्यवीर मुंबई दल द्वारा आर्यवीर सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें आयोजक नरेंद्र जी शास्त्री, महामंत्री आचार्य धर्म धर आय, कोषाध्यक्ष ज्ञान प्रकाश आर्य रहे। हम आपको बता दें कि आर्य समाज मुंबई पिछले कई वर्षों से विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम समय समय पर करता रहता है। सभी नागरिक को देश समाज की सेवा का संदेश देता रहता है। इस बार के कार्यक्रम 26 जनवरी 2019 को किया गया, जिसमें अध्यक्ष के रूप में मुख्य अतिथि श्री स्वामी देवव्रत आचार्य दिल्ली से पदार्पण किए। वही दूसरी तीसरी अतिथि श्री किशनलाल शास्त्री एवं दिलीप भाई वेड़ाली जी रहे। इस कार्यक्रम के विशेष सहयोगी के रूप में रमेश आर्य, जया बहन पटेल, लता शास्त्री एवं सुनीता शास्त्री जी रही। उक्त समय पर डॉक्टर सौरभ सिंह ने भी आर्यवीर बच्चों के साथ विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया। आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पर हमारे न्यूज रिपोर्टर महेंद्र मणि पांडे के साथ। बंधुओं, आज सारा देश 70वां गणतंत्र दिवस समारोह मना रहा है। आपको सबको सार्वदेशिक आर्यवीर दल की ओर से मैं स्वामी देवव्रत सरस्वती अध्यक्ष शुभकामनाएं देता हूँ। इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए हजारों वीरों ने, वीरांगनाओं ने बलिदान दिया है। हमने उनके बलिदान को भुला दिया है। जो जाति अपने वीरों को बलिदान को भुला देती है, वो धीरे धीरे करके उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आर्यवीर दल आर्य समाज की छात्र शक्ति भुजा है और आर्य समाज के संस्थापक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज का मंत्र दिया और उन्हीं के शिष्य आगे जाकर के कांग्रेस में भी गरम दल के प्रतिनिधित्व किया। आर्य समाज ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत बड़े बलिदान किए हैं। पट्टाभी सीतारमैया ने जेलों के अंदर निरीक्षण करवाया कि देखो, पता लगाओ किस प्रकार के लोग आए, तो उनको रिपोर्ट दी कि 90-80% जो है वो आर्य समाज के लोग हैं। पट्टाभी सीतारमैया को विश्वास नहीं हुआ, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को भेजा, उन्होंने भी कुछ और अच्छी रिपोर्ट दी। तो इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए महर्षि दयानंद के शिष्यों ने, वीरों ने, वीरांगनाओं ने बहुत बड़ा त्याग किया है, बलिदान किया है और ये आर्यवीर दल उसी की सशक्त भुजा है। इसके तीन उद्देश्य हैं, संस्कृति की रक्षा। आज हमारा युवक, हमारी बेटियां पश्चिम की अपनी संस्कृति इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपनी जो राम कृष्ण की संस्कृति है, जो ऋषि मुनियों की, वेदों की संस्कृति है, उसको भूलते चले जा रहे हैं। हम शिविरों के माध्यम से, शाखाओं के माध्यम से सबको अपनी संस्कृति का अभ्यस्त संस्कार दे करके उनको परिचित करवाते हैं। युवाओं के साथ में युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे अभी? मैं कहूँगा युवाओं के लिए कि सबसे बड़ी शक्ति जो है देश की युवा है। उकाबी रूह जब सवार होती है जवानों पर, नजर आती है तब मंजिले उनको आसमां पर, तो स्याही है नहीं तेरा कसर मर मन सुनते कर सुल्तानी के गुंबद पर, तो स्याही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। कुओं में, गड्ढों में कबूतर रहते हैं, बाज पहाड़ों के ऊपर अपना घोंसला बनाते हैं। नौजवान संकल्प करें, किसी भी काम को नौजवान जब संकल्प करके कर लेते हैं वो देश आगे बढ़ता है। देश की असली शक्ति उसके युवक हैं। मैं युवकों को कहूँगा कि आज़ादी हमारे पूर्वजों ने बलिदान करके प्राप्त किया, उसको सुरक्षित रखने के लिए आइए हम भाषाओं के भेद को मिटा करके, जाति पाति मजहब संप्रदाय के भेदों को मिटा करके और प्रांतवाद को, भाषा भेद को मिटा करके सभी मिलकर के देश को, भारत को विश्व का गुरु बनाए। यही मैं सभी से कहूँगा, सभी के लिए शुभकामनाएं। भारत की बेटियों के लिए क्या संदेश देंगे गुरुजी? मैं कहूँगा कि हम महारानी लक्ष्मीबाई, माता जीजाबाई और जो सती सावित्री जो देवियाँ हैं दुर्गा, जो कि शत्रुओं का मुकाबला करते हुए और बलिदान दे गई, मैं कहूँगा कि आज सबसे अधिक हम आर्य वीरांगना दल के माध्यम से लड़कियों को आत्म रक्षा के लिए सशक्त बनाते हैं।
वो मजबूत होकर के आगे आए और आगे बढ़ करके और इस देश का नाम रोशन करें। मैं जया पटेल, आज का जो कार्यक्रम था 26 जनवरी गणतंत्र दिन पर, आर्य समाज सांताक्रूज को 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं, मतलब हीरक जयंती महोत्सव था, उसमें एक उपलक्ष्य में आर्यवीर दल का एक कार्यक्रम रहा जिसमें बच्चों की स्पर्धाएं रखी गई थी, बच्चों का मतलब गीत गाना और बहुत मतलब उनके अंदर जो टैलेंट है वो टैलेंट को बाहर निकालने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया गया है और बच्चों ने बहुत अच्छे से अपना परफॉर्मेंस किया है। और पर्टिकुलरली आज हमने जो कार्यक्रम किया वो आज कश्मीर की जो समस्या चल रही है उसको लेकर वहाँ के जो हमारे फौजी है भारतीय वो कितनी यातनाओं के बीच अपने आप को अपाहिज समझकर सशस्त्र होते हुए भी तो उनकी जो स्थिति है वो अपराधी बनाकर उसको अदालत में लिया गया। तो हमारे जो आज की आज के जो श्रोतागण थे उस बीच एक हमारे शहीदों के प्रति वर्तमान और जो हो गए उनके प्रति मान और रिस्पेक्ट बढ़ाने का बहुत बड़ा हमारा अंदर से प्रयास था। तो ये जो आपका प्रयास है ये मुंबई में है या कहीं और भी अन्य प्रदेशों में ऐसा प्रयास आपके जारी है? वैसे मुंबई में ही हम हैं, वैसे अपने हिसाब से व्यक्तिगत तौर पर भारत भर में जाना हुआ है और हर सब्जेक्ट को लेकर हम चले हैं, खास करके वैदिक जो अपनी परंपराएं हैं वैदिक कॉन्सेप्ट है उसको लेकर। तो वैसे देशभक्ति का तो हमारा कार्यक्रम चलता रहता है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को तो बहुत सारा संदेश देना है, बस इतना ही कहना है कि युवा अपने आप के अंदर जो जज्बा है वो कहीं सोया हुआ है उसको जगाना है और खुद का विकास करके फिर आगे राष्ट्र का विकास, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जो उनकी मोबाइल टीवी कंप्यूटर और पीवीआर में चली जा रही है, इसकी हमें बहुत बड़ी चिंता है। मेरा नाम मनीष पोंडा है, मेरा ट्रेन योर ब्रेन एकेडमी .in ये है इंस्टीट्यूट है। आज आर्यवीर दल की यहाँ पे जिस प्रोग्राम में हमने बच्चों को ये दिखाया कि उनकी मन की शक्ति और अवचेतन मन के ऊपर हम कितनी तेज़ और किस तरीके से काम करें जिससे उनका भविष्य और उनके खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम किस लेवल पे लेके जा सकते हैं उसके बारे में था। धन्यवाद। सबसे पहले मैं सभी को नमस्ते करती हूँ, हृदयपूर्वक धन्यवाद देती हूँ आर्य समाज सांताक्रूज को जिन्होंने हमें ये कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मैं श्रीलता और मेरे साथ मेरी दीदी सुनीता दीदी, हम दोनों आर्य वीरांगना दल की मैं संचालिका हूँ और दीदी मंत्री हैं। हम दोनों हमेशा यही कोशिश करते हैं, आर्य वीरांगना मतलब हमारे देश की जो लड़कियाँ हैं युवा पीढ़ी हैं इनको जो ये कमज़ोर अपने आप को समझती है कि हम लड़कों से थोड़ा कम है, हम बाहर अकेले नहीं जा सकते, हम अंदर से वो थोड़ी थोड़ी डरी हुई होती है, तो हम लोग आर्य वीरांगनाओं को इस तरीके से बनाना चाहते हैं, उनका शारीरिक विकास, आत्मिक विकास और बौद्धिक विकास, इनका विकास करके हम उनको ये समझाना चाहते हैं कि आप लोग कोमल तो हैं लेकिन कमज़ोर नहीं हैं, आप लोग कोमल तो हैं लेकिन कमज़ोर नहीं हैं, पूरे देश में आप लोग चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं, अगर आप लोग आर्य वीरांगना बनेंगी तो स्वयं की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, अपने घर की रक्षा, देश की रक्षा करने में आप लोग सर्वप्रथम आगे आ सकती हैं। मैं यही संदेश आप लोगों को देना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम आज के युवाओं के लिए बहुत ही आंखें खोलने वाला था, क्योंकि ये जो युवा आज की जो हमारी जनरेशन है वो आविष्कारों के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन उनके पीछे जो सांस्कृतिक जो उसका बेस है वो यहाँ पर दिखाया और पढ़ाया जाता है, और यदि ये युवा अपने राष्ट्रीयता की भावना अपने में पैदा करेंगे और उनके साथ साथ वो आस्तिकता भी पैदा रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि आज की युवा शक्ति में बहुत शक्ति है और वो सही निर्णय लेके देश को अपने विश्व स्तर पर ले जा सकता है और मोदी का जो स्वप्न है वो पूरा हो सकता है। जहाँ तक आर्यवीर दल के कार्यक्रम का सवाल है, ये तो अपने आप में बेहतरीन रहा ही है, पर पूर्व में आर्यवीर दल जो कि आर्य समाज का एक सैनिक संगठन है, आज का कार्यक्रम देख के खुशी हुई कि इन्होंने अपने कार्य को शिथिलता नहीं आने दी है, उसको बरकरार रखा। पर मैं आर्यवीर दल के संयोजक श्री नरेंद्र शास्त्री से निवेदन करूंगा
कि आप समय रहते एक बेहतर शिक्षा प्रणाली सभी आर्य युवकों को दें, जिससे कि एक बेहतर भारत का निर्माण हो सके। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि इस देश को स्वतंत्रता मिली है वह सिर्फ गांधी या नेहरू के वजह से नहीं मिली है, हजारों हजारों सच्चे चरित्रवान उत्तम प्रकृति के बलिदान की वृत्ति रखने वाले आर्य समाजियों की वजह से मिला है। और आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद ने की थी, उनके शिष्य थे श्याम जी कृष्ण वर्मा, उसके बाद वीर सावरकर, एक लंबी कतार है लाला लाजपत राय, रामकुमार बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, श्रद्धानंद जी, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है इस देश को विदेशी ताकतों से छुड़ाने की। पर एक बात याद रखिए, आर्य समाज वैदिक धर्म का उपासक है और विशुद्ध वैदिक धर्म सार्वभौमिकता को स्वीकार करता है। वैदिक धर्म किसी भी बंधन में बंधा हुआ नहीं है, ये संपूर्ण विश्व के मानव कल्याण के लिए हमारे इस देश के या इस धरती के महापुरुषों ने इसे रचा है। और हमारा तो ये भी मानना है कि ये वेद ईश्वरीय रचना है। आप वेद के एक एक शब्द को पढ़ेंगे, अगर आप पाणिनि के अष्टाध्यायी के हिसाब से वेदों को पढ़ते हैं तो आपको कहीं भी एक भी अवगुण इसमें नहीं दिखाई देगा जो कि मानवता या प्रकृति के खिलाफ लिखा हो। पर इस वैदिक ज्ञान को बरकरार रखने के लिए हम क्या करते हैं? विधर्मी हमारे वैदिक धर्म को समाप्त करके अपनी अपनी सत्ता लादना चाहते हैं, जो कि इस धरती के लिए ठीक नहीं है। आर्य समाज ने आर्यवीर दल की स्थापना करनी क्यों जरूरी हुई? इसलिए जरूरी हुई कि दुष्ट ताकतों का उन्हीं के हिसाब से उनको जवाब दिया जा सके। हमारे नरेंद्र शास्त्री जी लाठी में, धनुष बाण में, बाकी और विधाओं में प्रवीण हैं, तो कम से कम शुरुआत तो ये महर्षि दयानंद ने जो की थी वो अभी भी बरकरार है, वरना अनेक समाज खत्म भी हो चुके हैं। पर आर्य समाज की ज्योति जलती रहेगी अखंड रूप से, ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं धर्मधर आर्य, आर्यवीर दल का मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ, और आज का जो कार्यक्रम रखा है ये आर्य समाज शांताक्रुज का उत्सव है, उसमें रखा है आर्यवीर सम्मेलन के नाम से। इस कार्यक्रम में हम आर्यवीरों को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शिक्षा देते हैं और हर तरह से सर्वांगीण उन्नति हो बच्चों की, उस प्रकार से ये आर्यवीर दल कार्य करता है। पिछले 60-65 वर्ष से ये आर्यवीर दल मुंबई में कार्यरत है और वर्ष में हम दो शिविर करते हैं। उसमें बच्चों का जो आवासीय शिविर होता है वो 8 दिन का शिविर होता है, जो गर्मी की छुट्टियां हैं उसमें लड़कों का शिविर रखते हैं हम 8 दिन, और वहीं उनको पूरा शिक्षित करते हैं, जूडो, कराटे, शारीरिक व्यायाम, योगासन, प्राणायाम, संध्या, ये जी सब कराते हैं। और जो कन्याएं हैं उनका दिवाली के बाद में जो छुट्टियां होती है उसमें ये शिविर हम रखते हैं। इस तरह से हमारा स्कूल कॉलेजों में तो शिक्षा देते हैं लेकिन संस्कार स्कूल कॉलेजों में नहीं मिल पाते हैं। हमारा एक कार्य है कि बच्चों को शिक्षित के साथ में, शिक्षा के साथ में उनको संस्कारित भी करना, उनको हर तरह से योग्य बनाना, आत्मसुरक्षा के लिए मानसिक रूप से हर तरह से योग्य बनाने का हम प्रयत्न करते हैं। मेरा नाम आचार्य संजय याचिक, मैं मेरठ से हूँ। आर्य समाज शांताक्रुज के वार्षिक सम्मेलन में मुख्य वक्ता के तौर पे यहाँ आया हुआ हूँ और यही मुझे इस आर्यवीर दल के शिविर को देखने का, इसमें बैठने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। मैंने देखा, हर दृष्टि से उसे उत्तम पाया, क्योंकि भावी भारत के निर्माण के लिए जो संतानों में उत्तम संस्कारों की नींव डाली जाती है
वीर वीरांगनाओं को तैयार किया जाता है, ये कार्य आर्य वीर दल बहुत अच्छे से कर रहा है। मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। जी मेरा नाम नरेंद्र शास्त्री है और ये जो कार्यक्रम है आर्यवीर दल आर्यवीर सम्मेलन के रूप में मनाया गया है और आर्यवीर दल का मैं यहाँ का संचालक हूँ मुंबई का। तो हमारा उद्देश्य ही यही रहता है कि हमारे देश के जो बच्चे हैं उनके अंदर हम एक अच्छा संस्कार देने का प्रयास करते हैं। उन बच्चों के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, उस प्रतिभा को बाहर निकालने का कार्यक्रम आर्यवीर दल के माध्यम से हम समय समय पर इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से करते रहते हैं। तो आज हमने बच्चों की प्रतियोगिता रखी थी और उस प्रतियोगिता में बच्चों ने बहुत ही सुंदर तरीके से, आज 26 जनवरी है और आज 26 जनवरी के अवसर पर देश के लिए समर्पित युवाओं के बारे में और बहुत अच्छे विचार जो है बच्चों ने दिए। तो हमारा मन भी प्रसन्न हुआ कि इतनी अच्छी चीज़ें बच्चों के अंदर हैं, उस प्रतिभा को बाहर निकालने का प्रयास आर्यवीर दल के माध्यम से हम हमेशा करते रहते हैं।